पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके काम कर रही है, उसी तरीके से भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग का काफी दुरुपयोग किया है। अगर भाजपा सरकार वाकई में निष्पक्ष है तो कांग्रेस से भाजपा में गए जिन मंत्रियों के नाम उजागर हुए हैं, पहले उनसे इस्तीफा ले, उसके बाद नैतिकता की बात करें। कमलनाथ जी की सरकार के समय जब सिम्बस घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाले पे जब जांच चली और बड़े बड़े बीजेपी के राजनेता उसके घेरे में आए, तो ये लोगों ने प्लान करके कमलनाथ जी की सरकार गिरा। उस समय ईडी और सबका तो उपयोग किया इन्हें, इनकम टैक्स का, लेकिन अब चुनाव आयोग जिसका काम है चुनाव कराना, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक रिपोर्ट भेजता कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, करें कार्रवाई। कांग्रेस का हर नेता कानूनी लड़ाई लड़ेगा, सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जिनके नाम अभी मंत्री हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिसाहूलाल सिंह, दत्ती गांव, इनके जो नाम आए, सबसे पहले इनसे इस्तीफा ले, उसके बाद फिर सिद्धांतों की बात करें।